आम तौर पर पुलिस के हाथों में लोगों का भविष्य और चरित्र बनाने और बिगाड़ने की क्षमता होती है, लेकिन इसे क्या कहें जब कोई पुलिस का भविष्य बिगाड़ने की बात कहने लगे। निश्चय ही ऐसा कोई माफिया ही कह सकता है। यूपी की तरह बिहार में भी ऐसे ही कई छोटे बड़े माफिया हैं जो पुलिस को आए दिन इस तरह की धमकियां देते रहते हैं। बीती रात उत्तर प्रदेश से शराब पीकर और शराब की खेप लेकर चले आ रहे ऐसे ही दो छोटे माफियाओं ने पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद जमकर उत्पात मचाया और पुलिसकर्मियों को खुलेआम अंजाम भुगतने तक की धमकी दे डाली। सबसे पहले सुन लीजिए माफिया ने पुलिस को किस तरह से धमकी दी है। एक बार फिर से सुनिए क्या कहा माफिया ने। खूब बढ़िया करता नहीं अपन हकीकत अपना और भविष्य देख ले। इस घटना के बाद पुलिस भी सकते में आ गई। हालांकि बाद में धमकी दे रहे शख्स के विरुद्ध शराब अधिनियम के साथ साथ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई और दोनों शराब के कारोबारियों को शराब के साथ पकड़े जाने के एवज में जेल भेज दिया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए उत्पाद निरीक्षक दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि बीती रात तकरीबन 9 बजे पुलिस के द्वारा उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश कर रहे वाहनों के साथ साथ व्यक्तियों की जांच की जा रही थी। इसी क्रम में यूपी से पीठ पर बोरा लादे चले आ रहे दो लोगों को रोका गया। रुकने के बाद जब उनसे उनका बोरा खुलवा कर देखा गया तो बोरे में से कुल मिलाकर 43 बोतल शराब बरामद की गई। दोनों की स्वास्थ्य जांच में भी शराब पीने की पुष्टि हुई। उत्पाद निरीक्षक ने बताया कि पकड़े गए दोनों व्यक्तियों की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नदाव गांव निवासी रामबाला यादव 38 वर्ष और राजपुर थाना क्षेत्र के जदपुरा गांव निवासी विशुनधारी राजभर 45 वर्ष के रूप में हुई है। दोनों में से एक रामबाला यादव ने पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया और भविष्य में अंजाम भुगतने तक की धमकी दे डाली। उत्पाद निरीक्षक ने कहा कि पकड़े गए तस्करों ने पहले तो उन्हें कुछ ले देकर मामला सेट करने को कहा, लेकिन जब उन्होंने फटकार लगाई तो दोनों धमकी देने लगे। एक राजबाला यादव ने तो हद कर दी और उसने यहाँ तक कह दिया कि यदि उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है तो कर ली जाए, लेकिन वह अब पुलिसकर्मियों का भविष्य बिगाड़ देगा। हालांकि उनकी गतिविधियों को पुलिस के द्वारा कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया गया है। उत्पाद निरीक्षक ने बताया कि हंगामा कर रहा युवक पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब यूपी से शराब पीकर अथवा शराब की तस्करी कर आ रहे लोग पकड़े गए हों और उन्होंने पुलिस को धमकी दी हो। ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन अब की बार जो शख्स पकड़ा गया उसने तो पुलिस को गंभीर चुनौती दे दी। ऐसे में उसके विरुद्ध सरकारी काम में बाधा डालने के साथ साथ शराब अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज कराया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद न्यायालय ने उसे जेल भेजने का आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच अथवा पुलिस की कार्रवाई के दौरान इस तरह की घटनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन निश्चय ही जो लोग ये सोचते हैं कि शराबबंदी वाले इस राज्य में शराब के सेवन और शराब की बिक्री के मामले में वे बच जाएंगे, तो वो अपने मन से इस तरह का भ्रम निकाल दे, क्योंकि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और ऐसे लोगों को जेल भी भेज रही है। उन्होंने बताया कि न सिर्फ राजबाला यादव और विशुनधारी राजभर बल्कि तमाम ऐसे लोग जेल भेजे जा रहे हैं जो कि शराब तस्करी अथवा शराब सेवन कर यूपी से बिहार में प्रवेश कर जा रहे हैं। एक बार फिर सुन लीजिए क्या कहा धमकी देने वाले शख्स ने।
हाँ तने खूब बढ़िया करता नहीं अपन हकीकत अपन और भविष्य देख ले।